हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े गलतफहमी के बारे में। अक्सर आपने ऑनलाइन में ऐसा बहुत सारा वीडियो देखा होगा जिसके अंदर कहा जाता है कि बुद्धिमान लोग कैसे होते हैं, 10 साइन ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। ऐसा आपको आज के डेट में बहुत सारे वीडियो ऑनलाइन पे देखने को मिलता है। उन सभी वीडियो में एक पॉइंट है जो कि बहुत कॉमन है। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी जीनियस इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सब लेजी होते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारा लड़का या बहुत सारे लड़की अपने आप को फेसबुक में भी आप देखेंगे, इंस्टाग्राम में भी आप देखेंगे, बहुत सारे लोग टैग करते हैं अपने आप को या बहुत सारे लोग पोस्ट शेयर करते हैं कि हम भी पांडा जैसा लेजी है, हम भी इंटेलिजेंट है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंटेलिजेंट और जीनियस लोग अगर लेजी होते हैं तो किस टाइप के होते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में 3 टाइप के लेजी पर्सन होते हैं। उसमें से आप किस टाइप पे आते हैं और इससे आपको क्या नुकसान होगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला वो लेजी पर्सन है जिसको कोई भी काम करने में बहुत आलस आता है, जो कोई काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, और उसके ऊपर अगर आप कोई भी काम देते हैं या उसके ऊपर अगर कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अक्सर उसका काम खराब होता ही है या तो काम होता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप जानते भी होंगे जिनका उम्र 40 साल हो गया, 50 साल हो गया है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जीरो, इतना जीरो है। इतना छोटा छोटा मिस्टेक ऐसे लोग कर देते हैं जो कि एक 40-50 साल के आदमी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कंडीशन में अगर आप ऐसा ही लेजी रहेंगे जिसको कोई काम करना ही नहीं है, जो कोई काम बिल्कुल भी नहीं करने लायक है और ना ही करता है, तो ऐसा इंसान का जिंदगी एकदम फालतू हो जाएगा। इसका ना बिजली का बिल जमा होगा, ना खाने का पैसा होगा इसके पास, और ना ही ये घर का भी कोई काम कर सकता है। तो ऐसा इंसान बुढ़ापा में बहुत गाली सुनता है और ये अपने जिंदगी में बुढ़ापा तो दूर का बात है, जैसे ही थोड़ा सा एडल्ट होता है 22 साल 25 साल, उसके बाद इसके आसपास के लोग ही इसको गाली देना शुरू कर देते हैं, या तो पसंद नहीं करते हैं या तो सभी जानते हैं कि ये बहुत ही फालतू इंसान है। बात करते हैं दूसरे टाइप के लेजी पर्सन के बारे में। कुछ लेजी लोग ऐसे होते हैं जिनको काम करना पसंद तो नहीं है, जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि घर से बाहर जाना है, ऑफिस में जाके काम करना है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग काम कर लेते हैं। अब ये काम चाहे अपना जल्दी जल्दी कर ले, या तो अपना काम ये किसी से प्यार से बात करके करवा ले, या तो अपना काम ये किसी से कैसे भी फुसला के, नाटक करके, ड्रामा करके अपना काम कंप्लीट करवा ले। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आप स्टूडेंट है, आप एक ऑफिस में काम करते हैं या आप एक माता पिता है, तो उम्र और एज के साथ हम लोगों के ऊपर बहुत सारा जिम्मेवारी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे हम लोगों का उम्र बढ़ता जाएगा हम लोगों का लाइफ का प्रॉब्लम कम होते जाएगा, उल्टा जितना आपका एज होते जाता है आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम आते रहता है। तो अगर आप अपना काम को सही से कर लेते हैं, अगर आप अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे भी कह के निकाल ही लेते हैं, और उसके बाद आप दिन भर आराम कीजिए, आप दिन भर सोफा में सोया रहिए, या आप दिन भर टीवी देखते रहिए, यूट्यूब देखते रहिए, फेसबुक करते रहिए, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है। तीसरा वो लेजी पर्सन है जो कि सच में इंटेलिजेंट और जीनियस होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जीनियस और इंटेलिजेंट किसको कहा जाता है। आजकल क्या हो गया कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम कोई भी काम पे बेस्ट है, अगर मेरे पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा पैसा है, या वो अपना काम बहुत अच्छा से करता है, बहुत बेस्ट तरीका से करता है, तो या तो वो जीनियस है या तो वो इंटेलिजेंट है। ऐसा सोचना आप लोगों का गलत है। जीनियस और इंटेलिजेंट उसको कहा जाता है जो अपना काम करने का एक ऐसा तरीका ढूंढ निकालता है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। इंटेलिजेंट इंसान वो होता है जो कोई ऐसा चीज़ बना दे, जो कोई ऐसा चीज़ सोचे जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, जैसे कि कंप्यूटर बना देना, टीवी बना देना, मोबाइल बना देना, कोई एक ऐसा चीज़ कर दिखाना जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, तब हम लोग उसको जीनियस या इंटेलिजेंट कह सकते हैं। तो आप लोग नोटिस करेंगे ऐसे लोगों का बहुत सारा इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग बचपन में ज़्यादा काम नहीं करते थे, और अक्सर इन लोगों का जमाने का थोड़ा 20-25 साल बहुत ही ख़राब होता है, इनके माता पिता इनको पसंद नहीं करते हैं। तो जो जीनियस और इंटेलिजेंट बच्चा होता है,
ऐसे बच्चों को ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है, ऐसा बच्चा थोड़ा सा लेजी होता है, थोड़ा सा काम चोर होता है, लेकिन इनके दिमाग में कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ चलते रहता है, चाहे वो किसी आर्ट को लेके हो सकता है, चाहे आने वाला कोई प्रोजेक्ट के बारे में हो सकता है, जो कि अभी तक कोई भी नहीं सोच रहा है, वो इसी के दिमाग में चलते रहता है। और कोई भी इन्वेंशन एक दिन में तो होता है नहीं, तो जैसे ही ये लोगों का प्रोजेक्ट कभी भी कम्प्लीट होता है, चाहे 30 साल लगे या 40 साल, ये लोग प्रूफ कर देते हैं कि हम इतना साल तक जो खाली बैठ के सोच रहे थे, जो सोफा में लेटे हुए थे, उस टाइम में दिमाग में कुछ चल रहा था और आज देखिए ये है उसका रिजल्ट। तो अगर आप जीनियस और इंटेलिजेंट है और अपनी लाइफ में आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद आप कुछ भी ऐसा कर जाते हैं जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, तब आप अपने आप को जीनियस या इंटेलिजेंट कह सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा काम नहीं कर गए हैं, ना ही आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा चल रहा है, आप बस सोए रहते हैं, आप बस कुछ लोग ख्यालों की दुनिया में ज़्यादा जीते हैं कि एक दिन मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, आपके मन में अजीब थॉट आता है, आप कभी सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, कभी सोचते हैं कि हम हीरो बनेंगे, फिर सोचते हैं कि हम शाहरुख खान बनेंगे, तो ये सब सोचने वाला भी व्यक्ति फालतू होता है। अगर आप दिन भर खाली बैठ के यही सब सोचते रहते हैं तो आप समझ जाइए दोस्तों कि आप बिल्कुल भी जीनियस नहीं हैं। अपने मन से गलत फहमी दूर कर दीजिए, इसको फालतू बोला जाता है, इसको टाइम पास कहा जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।